हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं अपूर्वा राजपूत और हम यहां कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास टेंथ। अपनी क्लास टेंथ में हमने संसाधनों के बारे में जानने से शुरुआत की, फिर हमने वन्य जीवों और वनों के बारे में जाना, उसके बाद हमने कृषि के बारे में जाना, फिर जल संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में समझा, और अपने पिछले चैप्टर में हमने विनिर्माण उद्योगों को जाना। और आज अपनी क्लास टेंथ के इस लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में, यानी कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे हमको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में, परिवहन और संचार सेवाओं के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी वीडियोज को पार्ट्स में कवर करते हैं, तो ये हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 1 है। हम सबसे पहले देखेंगे कि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, उसके बाद समझेंगे परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में, जिसमें हम स्थल परिवहन, रेल परिवहन को अपनी इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं और पर्यटन को अपने पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। यहाँ पे हम स्थल परिवहन में विभिन्न प्रकार की सड़कों के बारे में जानेंगे, और रेल परिवहन में हम भारत के विभिन्न रेलवे जोन्स के बारे में जानेंगे। हमारे इंडिया में कितने रेलवे जोन हैं, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, ये सब आपको जानना, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना दी जाएगी। इस वीडियो के बाद आप पहले जाके भारत के विभिन्न प्रमुख रेलवे जोन इस वीडियो को देखिए। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि हम मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन में जो वस्तुएँ उपयोग की जाती हैं, उनका उत्पादन किया जाता है और उसके बाद वो हम उपभोक्ताओं तक पहुँचती हैं। हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हैं कि हमारी आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की हैं। पहले प्राथमिक क्रियाओं में कृषि से संबंधित प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है, फिर द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत उद्योगों के माध्यम से उन्हें विनिर्मित किया जाता है, और फिर जो तृतीय क्रियाएं आती हैं उनमें जो सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे कि परिवहन, संचार सेवाएं, इन सब के माध्यम से उन्हें हम उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। तो हमने देखा था कि उद्योगों में अनेक तरह का माल बन के तैयार हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो उस उत्पाद को परिवहन द्वारा हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उनको व्यापारी कहा जाता है। ये जो व्यापारी होते हैं, ये उद्योगों से, कारखानों से हम तक सामान पहुंचाते कैसे हैं? परिवहन के साधनों से। परिवहन यानी कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया। और जितना बेहतर परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे, उतने ही बेहतर तरीके से व्यापार किया जा सकेगा। तो हमारे यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का जो लाना ले जाना है, परिवहन है, वो 3 तरीकों से किया जाता है, स्थल, जल और वायु। और इन्हीं के आधार में परिवहन को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवहन के 3 साधन हैं, स्थल, जल और वायु। अभी जो स्थल परिवहन है, ये भी 3 प्रकार से किया जाता है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में हम जानते हैं, और पाइपलाइन के बारे में आज हम समझ जाएंगे। उसके बाद आता है जल परिवहन, यानी कि नावों, जहाज़ों के माध्यम से वस्तुओं को लेके जाना। तो जल परिवहन में हम आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन, यानी कि हमारे देश के अंदर ही वस्तुओं को लाना ले जाना, और समुद्री परिवहन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया जाने वाला जल परिवहन, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आएगा वायु परिवहन, जिसमें भी हम घरेलू विमान सेवा यानी कि जो हमारे देश के अंदर ही फ्लाइट चलती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा यानी कि हमारे देश से बाहर की ओर जाने वाली फ्लाइट्स, इनके बारे में समझेंगे। घरेलू विमान सेवा में भी हम सार्वजनिक प्राधिकरण, मतलब कि जो सरकार के अधीन सेवाएं हैं, और निजी विमान सेवा यानी कि जो प्राइवेट फ्लाइट चलती हैं, जो एयरलाइंस प्राइवेट लोगों के अधीन हैं, निजी हैं, उनके बारे में समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम विभिन्न संचार साधनों को और पर्यटन साधनों को भी देखेंगे। हम जानते हैं कि एक समय तक ये जो व्यापार है, एक सीमित क्षेत्र तक किया जाता था। फिर हमने देखा था कि प्राचीन काल में नावों के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से जब लोगों ने एक देश से दूसरे देश में जाना शुरू किया, तो उस व्यापार को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। लेकिन आज जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तो व्यापार और परिवहन का क्षेत्र असीमित हो गया है। और परिवहन को ये वृद्धि देने का जो कारण है, वो है संचार। संचार साधन यानी कि वो साधन जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों का, विभिन्न प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। तो संचार साधनों के विकास के कारण परिवहन आधुनिक हो गया है, तीव्र हो गया है, और इसीलिए कहा जाता है कि परिवहन, संचार और व्यापार, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं।
इनमें से किसी भी एक का कमजोर पड़ना बाकी दोनों पे बुरा प्रभाव डालता है। अगर बात हमारे भारत की जाए तो हमारे भारत का आकार भी इतना विशाल है, इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं हैं जो भाषाई आधार पर भी हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताएं भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज संचार और व्यापार की दृष्टि से हमारा भारत एक उन्नत देश के रूप में प्रकट हुआ है। आज हमें देखना है कि हमारे देश में किस प्रकार से संचार और परिवहन के साधन हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। तो चलिए, परिवहन में हम आज सबसे पहले देखते हैं स्थल परिवहन को, यानी कि रोडवेज को। तो जहाँ तक स्थल परिवहन की बात है तो हमारा भारत उन देशों में से है जहाँ पे सर्वाधिक सड़कों के जाल हैं। यहाँ पे जो सड़क जाल है वो लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि सड़क परिवहन है जो वो रेल परिवहन से पहले से स्टार्ट है, क्योंकि रेलें तो अंग्रेज़ों के ज़माने में बिछाई गई। उसके पहले भी हमारे यहाँ जो आवागमन है, परिवहन है, वो सड़कों के माध्यम से किया जाता था। इसके अलावा भी जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन के अलावा की अपेक्षा में बहुत लाभदायक है। इसके क्या कारण है? इसके कारण है कि जो रेलवे लाइनों को बिछाने में लागत आती है वो सड़कों को बनाने की लागत से बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जो विभिन्न उबड़ खाबड़ जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे रेल लाइनें नहीं बिछाई जा सकती, वहाँ पे सड़कें आराम से बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो अधिक ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे भी सड़कों का बनाया जाना संभव है, जबकि रेल लाइनों का बिछाया जाना असंभव सा प्रतीत होता है। इसके अलावा अगर हमें कम दूरी में कम व्यक्तियों के द्वारा परिवहन करना है तो इसके लिए सड़क एक मितव्ययी परिवहन साधन के रूप में सत्यापित होता है। इसके अलावा हमें ये घर से घर तक की सुविधा प्रदान करता है। और जो सड़क परिवहन है वो बाकी जो अन्य परिवहन है जैसे कि रेल परिवहन या फिर जल परिवहन, समुद्री परिवहन, इन सब के एक पूरक के रूप में काम करता है। अगर हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं या फिर किसी बंदरगाह पे, तब भी हमें अपने घर तक पहुँचने के लिए सड़कों का इस्तेमाल ही करना होता है। हमारे भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर उनको 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? यह स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज, राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज, जिला मार्ग, अन्य मार्ग और सीमांत सड़कें। तो हम एक एक करके इन 6ों को विस्तृत रूप से समझेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग है ये भारत की 6 लेन वाले महाराज मार्गों की एक सड़क परियोजना है जो कि दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई और फिर वापस दिल्ली तक जाती है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी हैं, यानी कि 2 ऐसे बीच में से जाने वाले मार्ग भी हैं जो कि उत्तर दक्षिण में श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ते हैं और पूर्व पश्चिम में सिलचर जो कि असम में है और पोरबंदर जो कि गुजरात में है उनको जोड़ते हैं। महाराज मार्ग को बनाने का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ये राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। बारे में पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है इसको मैप में देखना। तो इस मैप में आपको जो येल्लो कलर से लाइन दिखाई दे रही है ये है स्वर्ण चतुर्भुज। ये देखिए, ये चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर दिल्ली से मुंबई और फिर मुंबई से चेन्नई तक जुड़ा और चेन्नई के बाद ये यहाँ से कोलकाता तक जुड़ा और कोलकाता से वापस दिल्ली तक। इसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारा, ये आपको रेड जिसके बीच में सिल्वर लाइन से दिखाई दे रही है यहाँ से दिखाई दे रहा है। उत्तर दक्षिण गलियारा आपको यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा और नीचे तक जाते जाते ये आपको दिखेगा कन्याकुमारी तक। इसे हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। इसके अलावा पूर्व पश्चिम गलियारा ऑरेंज लाइन से देख सकते हैं, ये पोरबंदर से स्टार्ट हुआ है और ये इस तरीके से जाते हुए ख़त्म होता है असम के सिलचर में। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए हमारे नेशनल हाईवे जिनको हम NH1, NH2, NH69, NH72 इनका नाम देते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और इनका रखरखाव और निर्माण का कार्य CPWD यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। ये जो राजमार्ग है ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। जो हमारा NH1 है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1,
वो दिल्ली व अमृतसर के मध्य है। ऐतिहासिक राजमार्ग शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग। इस मैप में आपको सारे NH यानी कि नेशनल हाईवेज दिखाए गए हैं नंबर्स के द्वारा। पूरे मैप में आप अपनी NCERT में देख सकते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे किन शहरों के बीच है। इसके बाद आते हैं राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। तो जैसे नेशनल हाईवे देश के बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ रहा था, वैसे जो स्टेट हाईवे है ये किसी भी राज्य की राजधानी को यानी कि किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है उसको विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। और इनकी निर्माण का व्यवस्था का जो दायित्व होता है वो PWD के पास होता है। PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके बाद आते हैं जिला मार्ग। जैसे कि नेशनल हाईवेज देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ रहे हैं, स्टेट हाईवे किसी भी राज्य के एक राजधानी को उसके जिला मुख्यालयों से जोड़ रहे हैं, वैसे जो जिला मार्ग हैं ये जिले के जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्र हैं उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ेगी। जिले के प्रशासनिक केंद्र विभिन्न तहसीलों में विभिन्न कस्बों में होते हैं, उन सबको जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करते हैं। और इन सबका जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है जिला परिषद के पास। इसके अलावा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर जिला सड़कें, इनके अलावा आती हैं अन्य सड़कें। तो वो सड़कें जो विभिन्न गाँवों के मध्य बिछाई जाती हैं, विभिन्न शहरों के मध्य बनाई जाती हैं या फिर गाँवों को शहरों से जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, उनको अन्य सड़कों का नाम दिया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसके तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। योजना में ऐसे विशेष प्रावधान हैं जिनके माध्यम से गाँवों को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा सके। इन सब के बाद आती हैं सीमांत सड़कें। तो जो सीमांत सड़कें हैं ये देश के उन कठिन इलाकों में बनाई जाती हैं जहाँ पर सड़कों को बनाया जाना इतना आसान नहीं होता। ये जो सड़कें हैं ये भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं। ये संगठन 1960 में बनाया गया था। इसका कार्य है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि हमारा सिक्किम, मेघालय, इन क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिली है। हम जानते हैं कि यहाँ के अधिकतर क्षेत्र पर्वतीय होते हैं, तो यहाँ पे सड़कों को बनाना मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है, इसलिए यहाँ पे अलग तरीके से सड़क बनाई जाती है और इनको निर्माण इनके निर्माण का जो दायित्व है वो भारत सरकार प्राधिकरण के अंतर्गत ही होता है। हमने अभी जो विभिन्न प्रकार की सड़कें देखी जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, सीमांत सड़कें, इनके अलावा भी सड़कों को उनके निर्माण के तरीकों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, कंक्रीट या फिर तारकोल से बनाई जाने वाली सड़कें, सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल से बनाई जाने वाली सड़कें होती हैं उनको पक्की सड़कें कहा जाता है। इसके अलावा विशेषतः गाँवों के मध्य जो कच्ची सड़कें बनाई जाती हैं वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। चलिए परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में सड़क परिवहन को देखने के बाद अब हमें देखना है रेल परिवहन को यानी कि रेलवेज को। हमारे भारत में जो रेलवेज है वो वस्तुओं या फिर यात्रियों के परिवहन का एक प्रमुख साधन माना जाता है क्योंकि इसे लंबी दूरी तय करने के लिए एक सस्ते परिवहन साधन के रूप में लिया जाता है। रेल परिवहन का अनेक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि व्यापार करने के लिए, भ्रमण, तीर्थ यात्रा या फिर लंबी दूरी तक सामान का परिवहन करने के लिए। हमारे देश में पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। हमारी भारतीय रेल को देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि की तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। हमारे देश में रेलवेज कितना इम्पोर्टेंट है ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि पहले तो हमारे यहाँ पे रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था और हमारा आम बजट अलग, पर अब दोनों को सम्मिलित रूप से ही पेश किया जाता है। हमारे देश की जो पहली रेलगाड़ी है वो 1853 में चलाई गई थी मुंबई और ठाणे के मध्य। इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसके अलावा हमारे भारत को विभिन्न रेलवे जोन्स में बांटा गया है। हमारे भारत में अब 18 रेलवे जोन्स हैं और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भारत के प्रमुख रेलवे जोन्स के बारे में और उनके मुख्यालय के बारे में समझें। इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना दी गई है जिसमें भारत के प्रमुख रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों को समझाया गया है। आप इस वीडियो के बाद सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे
कि हमारे भारत में जो हाल ही में 18वां रेलवे जोन बनाया गया है उसका मुख्यालय कहाँ है। अगर बात की जाए रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करते हैं भू आकृतिक कारक, आर्थिक कारक और प्रशासनिक कारक। देखिए, जैसे सबसे पहले बात करें उत्तरी मैदान की, तो हमने भारत की स्थलाकृतियों के बारे में कई बार अपनी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। भारत के उत्तरी मैदान में क्योंकि मैदानी इलाका है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वहाँ पे परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, और इसीलिए वहाँ पे सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, संपन्न रूप से कृषि की जाती है और प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर जो रेलवे संसाधन है उसका विकास और वृद्धि भी अच्छी तरीके से होती है। लेकिन फिर भी मैदानी इलाका होने के बावजूद हम जानते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, तो इन नदियों के ऊपर जो रेल लाइन बिछाने के लिए पुल बनाने पड़ते हैं वहाँ कुछ बाधाएं आती हैं। तो मैदानों के बाद अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम पर्वतीय क्षेत्र की, तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और ऐसे ही हमारे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, हमारे एमपी के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। सह्याद्री या उससे सन्निध क्षेत्र में भी घाटों या दर्रों के द्वारा ही रेल लाइनों को पार कराया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेलवेज हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर ये जो रेल लाइनें हैं इनको बिछाने में आने वाली जो प्राकृतिक बाधाएं हैं, इसके अलावा भी हमारे रेलवे को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारी इंडियन रेलवे में बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं, चेन खींच के बार बार रेलों को रोक लिया जाता है, और कई बार लापरवाही के कारण भी हमें कई रेल दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। परंतु इन सभी बाधाओं के बावजूद रेल हमारे परिवहन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साधन है। पर अब परिवहन के साधनों में सड़क और रेल्स को देखने के बाद अब हमें देखना है पाइपलाइन के बारे में। तो पहले जब पाइपलाइन का जिक्र होता था या पाइपलाइन की बात की जाती थी, तो पाइपलाइन का यूज़ केवल पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता था। लेकिन अब कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों के जो उत्पाद होते हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो ठोस पदार्थ हैं उनको भी तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इन पाइपलाइनों को बिछाने की जो लागत होती है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन एक बार अगर ये पाइपलाइन बिछा दी जाए तो उसके बाद इनको लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत न्यूनतम लागत आती है। इसके अलावा विभिन्न परिवहन साधनों में जो वाहन अंतरण देरी ऐसी हानियाँ आती हैं वो सब पाइपलाइन में नहीं आती। जैसे हमने रेल परिवहन में रेलवे जोन्स की बात की, सड़क परिवहन में विभिन्न प्रकार की सड़कों की बात की, वैसे ही पाइपलाइन में भी तीन प्रमुख जाल हैं। पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, और इसी की एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, और दूसरी राजबंद से बोरीगांव तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। दूसरी पाइपलाइन है गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, और इसी की एक शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ने वाली। इसके अलावा जो तीसरी पाइपलाइन है वो है गैस पाइपलाइन, जो कि गुजरात में हजीरा को यूपी में जगदीशपुर से मिलाती है। ये हमारे एमपी के विजयपुर के रास्ते से होके जाती है, और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, यूपी में शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पे हैं। चलिए, यहाँ पे हमने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन को देख लिया। अब इस चैप्टर के पार्ट टू में हम देखेंगे जल परिवहन को, समुद्री पत्तनों को, इसके अलावा विभिन्न पर्यटन स्थलों को और विभिन्न संचार सेवाओं को। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले समझा कि ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन होता क्या है। उसके बाद परिवहन के विभिन्न साधनों के रूप में हमने स्थल परिवहन के बारे में जाना, जिसमें हमने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कों के बारे में जाना। इसके बाद
हमने रेल परिवहन को समझा और उसके बाद हमने देखा पाइपलाइंस के माध्यम से किए जाने वाले परिवहन को। यहाँ पे हमने परिवहन के साधनों के रूप में आधे भाग को कवर कर लिया है। परिवहन के अन्य साधन जैसे कि जल मार्ग और वायु मार्ग को हम अपने पार्ट 2 में कवर करेंगे और वहीं पे हम आगे के अनेक टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो के जस्ट बाद आप जाके देखिए भारत के प्रमुख रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की वीडियो। हम मिलते हैं पार्ट 2 में। आप प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।